गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी? और सुबह की वोकैब क्लासेस में आज एक बहुत बड़ा चेंज है जो मैं आपको अभी बस बताने वाली हूँ। एक बार हमारा सेशन स्टार्ट हो जाए तब तक आप बताइए आप लोग कैसे हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को वोकैबुलरी का सेशन। और कल रात को कोई पेपर का सेशन नहीं आया था, येस्टरडे आई वॉज बिजी विद समथिंग एल्स इसलिए। और आज हमारा पेपर आएगा शाम को, और आज स्टेनो का पेपर आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर क्योंकि आप सबकी डिमांड है कि स्टेनो का पेपर आए, तो आज हम लोग करने वाले हैं स्टेनो का पेपर। और उसी के साथ अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आज हमारे वोकैब में क्या चेंज होने वाला है, क्योंकि अब हम लोग गाइस ऑलरेडी सीएचएसएल के सीजीएल के सारे वोकैबुलरी हम लोग कर चुके हैं जो 19 में आया था। और हमारा जो वोकैबुलरी सेगमेंट था सीजीएल का, उसको आप लोगों ने देखा एंड यू नो वेल कि उसमें कितना यू नो रेपिटेशन है, तो इसीलिए अब हम लोग लेकर आए हैं नेक्स्ट सेगमेंट। अब हमने लिया है स्टेनो का सारा वोकैबुलरी अभी हम लोग करने वाले हैं स्टेनो के। और आप देखिएगा जो हम लोग वहाँ करके आगे वो मैं अब स्किप करवाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डन दैट, तो उसका ही लिए मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आप लोग उसके बारे में यू नो आंसर्स करें, केवल जो केवल सिनोनिम्स हैं उसके वो आप बताएं, इसके अलावा जो नए होंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी स्टेनो के सारे वोकैबुलरी। इफ़ यू आर रेडी से यस, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, मोबाइल में ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन आज का, बस एक बार ये स्टार्ट हो जाए, एक बार मेरे सामने आप लोगों को चैट्स आ जाए, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। जल्दी से अपना आंसर दीजिएगा और बिल्कुल फेयर आंसर दीजिएगा इस, ठीक है? फेयर इन द सेंस कि बिल्कुल ठीक तरीके से मुझे बताइए कि आप लोगों को इसमें क्या लग रहा है, क्या रेपिटेशन ज़्यादा करवा रही हूँ मैं आप लोगों को, या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ अलग तरीके से वोकैबुलरी होना चाहिए, ये मुझे ज़रूर बताइएगा, है ना। हाँ, और कुछ लोग आप में से बोल रहे थे कि मैम एंटोनिम्स नहीं करवाते हैं आप, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ एंटोनिम्स जो है ना गाइस हमारा, वेट किया था आपने, आई एम सो सॉरी, रात में वेट किया था इसके लिए बट कल रात को सेशन नहीं आ पाया। एक मिनट मैं देख लेती हूँ अभी। अच्छा, एक और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मैं आप लोगों को देने वाली हूँ गाइस। हाँ, अपनी प्रिपरेशन के बारे में था, एक गुड न्यूज़ और दे दूँ मैं आप लोगों को हाथ के हाथ। वो गुड न्यूज़ ये है कि अब आप लोगों का इंतज़ार जो है ना वो ख़त्म होने वाला है। क्या हुआ इसे? अब आप लोगों का जो इंतज़ार है ना वो ख़त्म होने वाला है। कौन सा इंतज़ार? इडियम्स एंड फ्रेजेस का सेशन आ रहा है, idioms and phrases का जो सेशन है जो हम लोग लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे थे अब वो आने वाला है, जिसमें हम लोग कर रहे हैं बहुत सारे idioms and phrases। ओनली बहुत सारे कितने हैं? 2000 है ना, अप्रोक्स 2000 idioms है जो हम लोग एक ही सेशन में करने वाले हैं कल से। तो कल से नहीं, मतलब एक ही दिन आएगा, दैट इज 20 कल ही है, तो कल ही आएगा, ऑलमोस्ट कल ही आएगा ये, है ना, 20 ऑफ जनवरी। और 20 ऑफ जनवरी जो है, और ये 8 to 9 hours का सेशन होने वाला है, है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 hour में मैंने कितना करवाया उसी हिसाब से मैं देखूंगी, तो जहाँ तक मुझे लगता है 8 to 9 hours लगेंगे। तो कल अगर हम लोग 8 to 9 लगा रहे हैं, 8 to 9 अगर हम लोग कल क्लास लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये है कि आप लोगों को तो रहना ही पड़ेगा। कौन आप में से नहीं रह सकता मुझे प्लीज़ बता दीजिए। ज्योग्राफी का टेस्ट है साधना, ठीक है ओके, कोई बात नहीं, आप जाइए, गुड लक टू यू, आराम से करिए अपना, सारे सब्जेक्ट जरूरी है, ठीक है। हाँ, रेपिटेशन हो रहा है तो क्या चाहिए बेटा, रेपिटेशन करवाऊँ या नहीं करवाऊँ? हाँ, इसके लिए बताइए, जो 20 जन को हमारा 2000 idioms का सेशन आने वाला, दैट इज टुमारो, दैट इज ऑफ 9 to 10 hours, लगभग 9 to 10 hours का होने वाला है, तो क्या आप लोग रहने वाले हैं इस सेशन में 9 to 10 hours? क्योंकि एक सेशन देख लिया आपका idioms का पूरा जो प्रॉब्लम है वो ऑल हमेशा के लिए हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। कल कब से नहीं, सिर्फ कल और सिर्फ कल, ठीक है, सिर्फ कल ही होगा, एक ही दिन में ख़त्म कर देंगे हम। हाँ, मैं बिल्कुल एक दिन में करा दूंगी आपको इस सेशन को, एक ही दिन में, मतलब जब भी आपको idiom करने का मन है आपने इस idiom को खोलना है और इसको कर लेना है। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से कि रिविजन करने के लिए 200 आपने idioms आज कर लिए, 200 कल कर लिए, तो ऐसे 10 दिन में आप इसका रिविजन भी कर सकते हो, पर मेरे साथ तो बनना ही पड़ेगा आप लोगों को कल, ठीक है। चलिए, मैं तो एक ही साथ कराने के मूड में हूँ, आप लोग बोलो क्या चाहते हो। नरेंद्र मोदी का ऑपोजिट है ये तो, नरेंद्र मोदी, वाह क्या नेम रखा है आपने, गुड। रिकॉर्डेड देखेंगे, क्यों सामने आने में क्या परेशानी है? अरे चैट्स नहीं देखूंगी मैं इसलिए क्योंकि चैट्स देखने में टाइम ज़्यादा है ना। चलो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास को,
बैटरी नहीं चल पाएगी, चार्ज पे लगा के देखना यार, मैं लाई हूँ कि मेरी भी तो बैटरी चलेगी ना, तो आपके फोन की बैटरी नहीं चल सकती है, गलत बात। चलो अब देखिए बेटा, आज हम लोगों का जो वोकैबुलरी सेशन है इसका क्या प्लान है। आज का वोकैबुलरी सेशन का प्लान ये है, क्योंकि ये स्टेनो के वोकैबुलरी अब है ना, अब स्टेनो के वोकैबुलरी है। जैसे हम लोगों ने कौन सा वर्ड कर लिया है, हम लोगों ने जेंटल बहुत बारी कर लिया अभी पिछले कुछ दिनों में, है ना, हम लोगों ने जेंटल बहुत बारी कर लिया है, हम लोगों ने लाइवली बहुत बारी कर लिया है, तो जेंटल और लाइवली के अब हम लोग नहीं करेंगे। जो हमारा नया शब्द है मॉर्टल है और बेनाइन है, इसको हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे होगा, क्या करने वाले हैं, राइट। अब देखो तो ये है सारे, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आज से हमारा सेगमेंट कौन सा शुरू हुआ है, स्टेनो 2019, जो अभी अभी एग्जाम हुए ना दिसंबर में जो एग्जाम हुए हैं, 24 से लेके 24 तक जो एग्जाम हुए ना, उन एग्जाम के ये वाले वोकैबुलरी है, ठीक है। और जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं वर्ड्स को, वो मैं नहीं करवाऊंगी, आप लोग ये भी देख लीजिए कि CHSL का कितना यहाँ पे रिपीट होता है, ठीक है। चलो कितना आता है रिपीट होता है CHSL सीजन का, आप देखो जेंटल हम लोग कर चुके हैं, अगर आप जेंटल हैं तो सिनोनिम बताइए जेंटल के, क्विकली जेंटल के सिनोनिम बताइए, और लाइवली के भी सिनोनिम बताएंगे आप लोग। अब मैं बताती हूँ मॉर्टल का, है ना। मॉर्टल क्या होता है गाइस, अगर मॉर्टल जैसे ह्यूमन है, मैन इज मॉर्टल, ये सेंटेंस कहा जाता है, मैन इज मॉर्टल यानी कि मैन मॉर्टल है, मॉर्टल है यानी कि नश्वर है, नश्वर है यानी कि मतलब हमारा नाश होना तय है, यानी वी आर गोइंग टू डाई सून, मतलब सून इन द सेंस वन डे, हम लोग करने वाले हैं अपने आप को खत्म हो जाएंगे हम लोग, है ना। तो ह्यूमन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, मैन का खत्म होना निश्चित है, तो मॉर्टल क्या होता है, जिसका खत्म होना निश्चित होता है, जो हमेशा के लिए खत्म हो जाए वो मॉर्टल होता है। तो मॉर्टल के सिनोनिम्स जो एग्जाम में आते हैं वो होते हैं फैटल, दिखाई दे रहा है क्या, और आवाज, दोनों चीज बता दीजिएगा, फैटल होता है, लेथल होता है जो एग्जाम में आता है, मेटल सॉरी फैटल लेथल, ठीक है, दो चीज हो गया। उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को डेडली दिख ही रहा होगा, उसके अलावा अर्दली, अर्दली मतलब अर्थ से रिलेटेड, इसी तरीके से अर्दली लिख सकते हैं, हाँ मटीरियलिस्टिक बोल सकते हैं इसको हम लोग, हाँ नश्वर मीन्स मॉर्टल, राइट। डिस्ट्रक्टिव, जो डिस्ट्रक्ट हो, बिल्कुल सही है, इसी को हम बोल सकते हैं वर्ल्डली, इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव, जिसका डिस्ट्रक्ट होना बिल्कुल तय है, डिस्ट्रक्ट होना हो जाए है, जो है ना। और एक होता है कॉर्पोरियल, कॉर्पोरियल कॉप्स ना, ह्यूमन की डेड बॉडी को कॉप्स कहा जाता है, कॉर्पोरियल, ठीक है। तो कॉर्पोरियल जो होता है हमारा वर्ड, वो भी इसी से रिलेटेड होता है, अर्थल से, ठीक है। फैटल, लेथल, मॉर्टल, डेडली, हाँ बिल्कुल सही है, राइट, बिल्कुल सही है। हाँ ये हो गए हमारे मॉर्टल के सिनोनिम। अब देखो डेडली जो हमारा वर्ड होता है, वैसे तो डेडली इसी का एक सिनोनिम है, तो हमने इसके आंसर में तो डेडली कर दिया, लेकिन डेडली क्या होता है, अगर आपको याद हो डेडली है कोई चीज, तो डेडली एकदम जानलेवा, अगर कोई चीज जानलेवा है तो उसको भी डेडली बोलते हैं, ठीक है। तो डेडली का एक और मीनिंग होता है जानलेवा, है ना, और मॉर्टल का मीनिंग क्या होता है, नश्वर, राइट। ध्यान रखिएगा दो मीनिंग होते हैं, तो डेडली का मीनिंग इसका, मॉर्टल का जानलेवा नहीं होता, डेडली का होता है जानलेवा। तो जानलेवा है तो कैसा है, टॉक्सिक है, कैसा है, पॉइजनस है, ये भी इसके सिनोनिम होते हैं, लेकिन उसके नहीं होते, ध्यान रखिएगा पॉइजनस है, और इसीलिए हम इसको हार्मफुल, है ना, ये भी कह सकते हैं हार्मफुल है, या पैरिलस है, या रिस्की है, या डेंजरस है, ये भी हम इसको थोड़ा सा कह सकते हैं, पर उनको नहीं कह सकते, ध्यान रखना, ये डेडली के सिनोनिम्स हैं गाइस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हैफजर्ड कहाँ लिखेंगे, कहाँ लिख रहे हैं बेटा हैफजर्ड। अब जेंटल पे आते हैं, अगर कोई चीज जेंटल है तो कैसी है, सिंपल है, बेनाइन, सॉरी बेनाइन तो काइंड होता है, जेंटल है, सिंपल है, सोवर है, और अगर पर्सन कोई जेंटल है, सिंपल है, सोवर है, जेन्युइन है, प्रैक्टिकल है, डाउन टू अर्थ है, रियल है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डियर, है ना, ये सारे हो जाएंगे। पेरिशेबल, बिल्कुल सही है, पेरिशेबल वर्ड मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं पेरिशेबल, राइट। और हमारा बेनाइन, अगर व्यक्ति बेनाइन है तो कैसा है, बेनाइन पर्सन क्या होता है, काइंड पर्सन, बेनाइन पर्सन होता है, हाँ जी। हैफजर्ड नहीं बेटा, हैफजर्ड क्या होता है बताओ, हैफजर्ड मतलब जल्दबाजी में करना, है ना, हजार्डस तो नहीं बोलने की कोशिश कर रहे हो, हैफजर्ड लिख रहा है, हजार्डस लिखना चाहिए था, हैफजर्ड तो कुछ अलग होता है, हैफजर्ड नहीं, जल्दी जल्दी में करना, हजार्डस बोल सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए
हाँ बिनाइन पे अब हम लोग आ जाते हैं, बिनाइन नया वर्ड है, इसको हटा रही हूँ मैं, जेंटल और लाइवली को आप लोग अपने आप देखेंगे, बिनाइन को हम लोग कर रहे हैं। बिनाइन क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति बिनाइन है तो वो काइंड है, वो बेनिवोलेंट है, बेनिवोलेंट है, वो कंपैशनेट है, जेनरस है, जेनरस भूल गई मैं शुरुआत में लिखना था, काइंड के साथ हम लोग जेनरस लिखते हैं ना, है ना, हजार्डस बोल रहे थे, यही मैं सोच रही थी, हाफजर तो अच्छा अलग वर्ड होता है ना, जेनरस, जेंटल, काइंड, हेल्पफुल, राइट, हेल्पफुल, हाँ, तो ये सारे काइंड के सिनोनिम इसके होंगे, बिनाइन के सिनोनिम होंगे, और इसी को हम बोल सकते हैं लिबरल, लिबरल है, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार, सपोर्टिव, ठीक है, ये तो हो गए इसके जेन्युइन सिनोनिम्स, ठीक है, मेन सिनोनिम्स इसके ये हो गए। एक और वर्ड होता है जो हम लोग बोलते हैं ग्रेशियस, है ना, ग्रेशियस है, यानी बहुत अच्छा सा पर्सन है, और इसीलिए इसको हम बोल देते हैं प्लेजेंट, और जैसे ही मैंने प्लेजेंट बोला, जैसे ही प्लेजेंट बोला, आप इसको कनेक्ट कर लेंगे एमीएबल से, ठीक है, अब जैसे ही एमीएबल आएगा, सोशिएबल आएगा, अफेबल आएगा, कॉर्डियल आएगा, लविंग आएगा, ग्रेगेरियस आएगा, ये सारे वर्ड्स इससे कनेक्ट हो जाएंगे। तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को गाइज, हाँ, टेंडर, टेंडर भी, टेंडर इसका ज्यादा अच्छा होगा, जेंटल है, स्वीट है, टेंडर है, काइंड है, लविंग है ना, जेंटल, ऐसे बेनाइन को हम इसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं जेंटल में, है ना, बेनाइन जेंटल एक साथ हो सकता है, सोशल है, अफेबल, पूरे आ जाएंगे, सोशिएबल, अफेबल, एमीएबल, लविंग, जोवियल, कॉर्डियल, ग्रीगैरियस, और जो मैं भूल जाऊँ, वो जो मैं ना बोलूँ, और जो ये लाइवली है ना, समझ रहे हैं ना, लाइवली है, प्लेजेंट है, वाइवेशियस है, वाइब्रेंट है, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो यहाँ पे आ जाएंगे, सारे के सारे लिख डालो, याद हो जाते हैं बेटा लिखने से, लिखते जाओ याद हो जाएंगे, मुझे कैसे याद है लिखने से, देखो लिखा है मैंने, और इसके भी मैं लिखूंगी तो याद हो जाएगा, एनिमेटेड इसी का, एनर्जेटिक इसी का, है ना, एंथुजियास्टिक, ज़ीलस, ये सारे वर्ड्स इसके आएंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, रेणुका गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आप सभी बताइए गाइस, आप सबका प्रिपरेशन कैसा लग रहा है, वोकैबुलरी क्या लग रही है, हो जाएगी इस तरीके से, अब मैं रिपीट को नहीं लूंगी गाइस, ध्यान रखिएगा। हाँ, अब हैपलेस है, देखो हैपलेस ये वर्ड है, अभी आया ही था, और अभी का ही वर्ड है ये, तो देखो अभी आया था ये वर्ड हैपलेस एग्जाम में, अनुज यादव किसको याद कर रहे हो भाई, सुबह सुबह अच्छी बात है याद करना तो, पर इतने ज्यादा मतलब एकदम ऐसी फीलिंग लेके आए हो कि सारे भटक जाने अभी, ठीक है, इतनी मुश्किल से सब पे कॉन्सेंट्रेशन हुआ है सबका, ठीक है, तो थोड़ा सा आप देखो, चलो हैपलेस, हैपलेस क्या होता है, कई बार हम जब इसका एनालिसिस कर रहे थे तो बहुत सारे बच्चों ने हमें गुमराह कर दिया था, मैम हेल्पलेस वर्ड आया था, हेल्पलेस वर्ड आया था, बट हेल्पलेस वॉज नॉट द वर्ड, इट वॉज हैपलेस, है ना, हैपलेस, हैप्पी नहीं होगा, फॉर्चुनेट नहीं होगा, अनटाइडी नहीं होगा, हैपलेस इज, हैपलेस है तो कैसा पर्सन है, बदकिस्मत, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बदकिस्मत पर्सन है, यानी हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मिसफॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट बोल देंगे, है ना, मिसफॉर्च्यून है या फिर अनफॉर्चुनेट है, ठीक है, तो मिसफॉर्च्यून यानी खराब किस्मत वाला, और अनफॉर्चुनेट यानी बदकिस्मत पर्सन है, हैपलेस पर्सन है, ठीक है, तो अनफॉर्चुनेट है, ठीक है, तो अनफॉर्चुनेट का अनलकी हो गया, अनलकी हो गया अनफॉर्चुनेट का, बस में क्लास लेनी पड़ रही है आपकी, ओके, रिपीट करवाती रहती हूँ, पर ठीक है थोड़ा सा टाइम भी तो जाता है ना गाइस, फिर हमारा जो मोटिव है ना वो थोड़ा सा पूरा नहीं होगा, इसलिए इसको अभी अभी के लिए है ऐसा, हमेशा के लिए नहीं है, ठीक है, ग्रामर और प्रैक्टिस की वीडियो लेनी बेटा, यहाँ पे एक फोन नंबर दे रखा है ना, इस फोन नंबर पे आप मैसेज करो या बात करो, ये कॉल करने वाला नंबर भी है, कॉलिंग करो, आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, चलो, हाँ, अब ये जो पर्सन है हैपलेस है वो कैसा पर्सन होता है, वो मिजरेबल पर्सन हो सकता है, मिजरेबल यानी कि बेचारा, है ना, बेचारे के साथ क्या हो गया, पुअर पर्सन जिसको हम लोग बोलते हैं, आउट ऑफ नहीं, गरीबी वाला पुअर नहीं, बेचारा वाला पुअर है ये, ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं हैपलेस, हम इसको बोल सकते हैं मिजरेबल, हम इसको बोल सकते हैं अनलकी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं लकलेस,
लकलेस पर्सन है या कर्स्ड पर्सन है. कर्स्ड है मतलब पता नहीं इसके साथ क्या श्राप लगा हुआ है, किसके साथ हमेशा गलत होता है. तो इस तरीके से हम इसको कर्स्ड बोल सकते हैं, इसको हम डूम्ड बोल सकते हैं गाइस, है ना. डूम्ड मतलब जिसका डूम माने क्या होता है, खराब किस्मत हो जाना. तो डूम्ड आ गया है यानी कि खराब आ गया है इसका समय. ठीक है, ग्रामर की पेड क्लास में क्या चल रहा है, ग्रामर की पेड क्लास में कंडीशनल के क्वेश्चंस चल रहे हैं अब, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाउन और ये जो मेन टॉपिक्स हैं ये मैं करवा चुकी हूँ, जो एग्जाम में आने वाले हैं मेन उसी में अभी ये चल रहा है. मतलब सारे जो एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है यही मैं सबसे पहले वहाँ पे करवा रही हूँ, ताकि सबसे पहले बच्चों की उस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए और आप लोग अच्छे से काम कर सके. ठीक है, एल स्टार्ट भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, इल फेटेड, इल स्टार्ट बोल सकते हैं, फॉरलॉन बोल सकते हैं. वैसे फॉरलॉन यानी दुखी होता है, पर फॉरलॉन कौन सा, मिजरेबल वाला, खराब किस्मत वाला, लकलेस वाला, राइट, इसको बोल सकते हैं. हाँ, पॉपराइज, इम्पेक्यूनी से तो बिल्कुल बिल्कुल गरीबी वाले हैं ना, पॉपराइज से नहीं बिल्कुल गरीब है ये, पुअर गरीब वाला नहीं, मैंने पहले ही कहा था खराब किस्मत वाला बेचारा. ठीक है, तो वो गरीब नहीं होता है, बहुत बड़ी कार में बैठने वाला भी बेचारा पर्सन हो सकता है अगर उसके पास किस्मत अच्छी नहीं है तो. ठीक है, चल 100 क्वेश्चन रोज करें, बेटा हो नहीं पाते हैं 100 रोज, वर्ड्स रोज हो पाते हैं 100, ये बहुत है ना. इंस्टेड ऑफ डूइंग 100 वोकैबुलरी हम लोग 100 सिनोनिम्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इससे आप लोगों की ज्यादा तैयारी होगी. चलिए, तो ये हो गया हमारा, ये इसी का जस्ट ऑपोजिट है. अगर आप फॉर्चुनेट है तो आप किस्मत वाले हैं, है ना, किस्मत वाले हैं आप, लकी हैं, राइट. इसको भी हम लोग करेंगे. चेतन बोल रहे हैं आज मार्क्स आएंगे, ओके. हाँ, कवर इसलिए हो जाएगा क्योंकि हम पुराने वीडियोस आप लोगों को सारे देंगे, है ना. तो आप कुछ दिन लगा के, एक हफ्ता लगा के पूरा आराम से देखें, बहुत अच्छे से हो जाएगा वो कवर. कवर में ऐसी बात नहीं, क्योंकि ग्रामर है ऐसा तो है नहीं आउटडेटेड हो गया, और कुछ भी चैट्स वैट देखती नहीं मैं तो, बहुत अच्छे से आप लोगों को हो जाएगा कवर वो आराम से. ठीक है, चलो, लेट लेंगे तो भी कवर हो जाएगा. गुड मॉर्निंग डियर, चलो आगे बढ़ रहे हैं. अब हम लोग अनलकी हमारा हो गया, अनलकी के सिनोनिम्स हो गए. अब हम लोग करेंगे अनटाइडी, फॉर्चुनेट, हैप्पी हम ऑलरेडी कर चुके हैं बहुत बार. चलो, अगर कोई चीज अनटाइडी है तो कैसी है, खराब पड़ी है. अनटाइडी यानी क्या होता है, गंदा, या तो गंदा है या भद्दा है, है ना, उसी को बोलते हैं, बहुत ही गंदा सा भद्दा सा पड़ा था. तो मैसी, ठीक है, फिल्दी, फिल्दी होता है, मैसी होता है, डर्टी होता है. ठीक है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, रूम है अगर मैसी है तो कैसा है, अनऑर्गेनाइज्ड रूम है, अनऑर्गेनाइज्ड है, या मतलब बिल्कुल बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज्ड, बिल्कुल भी अरेंज नहीं कर रखा है, और अनऑर्गेनाइज्ड है, अनअरेंज्ड या डिसअरेंज्ड बोल सकते हैं इसको हम लोग, है ना. तो ये सारे वर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे. डिसऑर्डरली हो सकता है, ऑर्डर ऑर्डर के साथ जमा हुआ है, और डिसऑर्डरली एक होता है वर्ड जो एग्जाम में बहुत आता है, डाइशेवल, लिख लो इसको बेटा सबसे पहले, डाइशेवल बहुत आता है एग्जाम में, डाइशेवल्ड है तो बहुत ही ज्यादा बिखरा हुआ है, बहुत ही ज्यादा मैसी है. फिल्दी बहुत आता है एग्जाम में, अनऑर्गेनाइज्ड है, अनमैनेज्ड है. अच्छा, एक वो भी होता है केओटिक, केओटिक है यानी बहुत ही ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, बिखरा हुआ सा है, सब कुछ कंफ्यूजन सा है. डिसऑर्डरली है, बिल्कुल मैसी है ना, बिल्कुल मैसी है, बिल्कुल खराब सा पड़ा हुआ है. जितेंद्र आप फैन हो चुके हैं, ओके, थैंक यू सो मच, बी फैन, लेकिन प्लीज़ बढ़ाइए इसको, लोगों तक पहुंचाइए. बहुत सारे लोगों को नहीं पता है इसके बारे में ना, तो बहुत सारे लोगों तक अगर आप पहुंचाएंगे तो बहुत बहुत आपका मतलब अच्छा होगा हमारे लिए वो, बहुत ज़्यादा. तो प्लीज़ ऐसा ज़रूर से करिएगा. ठीक है, मिसमैनेज्ड बोल सकते हैं इसको हम लोग, मिसमैनेज्ड है. और कैसा है, बिखरा हुआ है, स्कैटर्ड है, बिल्कुल बिखेरा कर रखा है, एकदम फैला रखा है कोई चीज, स्कैटर्ड कर रखा है. ठीक है, स्प्रेड कर रखा है बहुत ज्यादा, तो फैला हुआ है इसलिए स्प्रेड भी हम इसको बोल सकते हैं, स्कैटर्ड बोल सकते हैं, डिसअरेंज्ड बोल सकते हैं, अनअरेंज्ड बोल सकते हैं, है ना, अनअरेंज्ड भी बोल सकते हैं इसको हम लोग. और कोई वर्ड जो आप लोगों ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, प्लीज बता दीजिएगा उसको भी. हाँ, ठीक है, अब देखो, जंबल्ड, हाँ जंबल्ड लिख सकते हैं, डिसऑर्डरली लिख रहे हैं, डाइशेवल्ड लिख रहे हैं, ओके, जंबल्ड मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, जंबल्ड है यानी अरेंज नहीं है, राइट, जंबल्ड है यानी अरेंज नहीं है, मिसमैनेज्ड है, सब कुछ बिखरा हुआ है, राइट. चलो, हाँ,
नेक्स्ट हमारे सामने जो वर्ड है अब हम उस पर देखेंगे. देखो अनटाइडी कर लिया, अनलकी कर दिया, अब हम आते हैं फॉर्चुनेट पे. फॉर्चुनेट क्या होता है? फॉर्चुनेट कैसा पर्सन? किस्मत वाला पर्सन फॉर्चुनेट होता है. कैसा पर्सन? किस्मत वाला पर्सन, है ना. तो अगर कोई व्यक्ति फॉर्चुनेट है तो कैसा पर्सन? सारे टॉपिक वाइज की प्लेलिस्ट किधर गई? कौन सी बेटा? ऑल अबाउट दीप. अरे कौन सी बात पूछ रहे हैं बेटा? हाँ, पजल्ड, परप्लेक्स, कंफ्यूजिंग. देखो कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है परप्लेक्स, कंफ्यूजिंग, पजल्ड. ये तो वो हो गया ना, अगर आप कंफ्यूजन में हैं, आप किसी उसमें हैं. पर यहाँ पे डर्टी, मैसी हो रहा है. तो रूम मैसी होता है, रूम कंफ्यूज नहीं होता है, रूम परप्लेक्स नहीं होता है. आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एज अ पर्सन हो सकते हैं, रूम थोड़ी ना हो सकता है. या फिर आप कहीं जा रहे हो शादी में तो वहाँ पे सब कुछ मैसी है, सब कुछ मिसमैनेज्ड है, सब कुछ अनऑर्गेनाइज्ड है. तो वो सब चीज़ें कन्फ्यूज कर सकती हैं आपको, परप्लेक्स हो सकते हैं आप. ये पर्सन की क्वालिटी है, इसलिए यहाँ नहीं आएगा. जी आई सी में ये वोकैबलरी यूजफुल होगा क्या? जी आई सी बोले तो गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट. क्या बोल रहे हैं? जी आई सी क्या होता है आपके अकॉर्डिंग? ठीक है दीप, आप थोड़ा सा बताइए कौन से वाले कर रहे हैं. मफल सही है बेटा, है ना. हाँ वीआईपीएम में मैंने पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था. पजल्ड भी पर्सन ही होगा ना. अब चलो, अब हम लोग लकी पे चल रहे हैं. फॉर्चुनेट है तो आप कैसे हैं? लकी हैं. ठीक है, अगर आप फॉर्चुनेट हैं तो आप कैसे हैं? अपॉर्चुन है. अपॉर्चुन मतलब जिसको आराम से चांस मिल जाता है. ठीक है, अपॉर्चुन है. और आप कैसे हैं? आप फेवर्ड हैं, आपका फेवर किया गया है, या आप फेवर्ड हैं, या मतलब आपको किसी ना किसी तरीके से फायदा हुआ है, किसी ना तरीके से फायदा हुआ है आप लोगों को. ठीक है, तो आप फॉर्चुनेट हैं, आप प्रिविलेज्ड हैं. प्रिविलेज्ड है यानी कि आपको किसी भी चीज़ का फायदा हुआ है, प्रिविलेज्ड है आप. फॉर्चुनेट हैं आप, लकी हैं आप, अपॉर्चुनेट हैं. एक होता है एक और होता है फॉर्टिटस, है ना. फॉर्टिटस बहुत ज़्यादा हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं? एडवांटेजेस में पढ़ लेते हैं फॉर्टिटस. तो फॉर्चून के लिए आता है ये वर्ड जल्दी से. ठीक है, एडवांटेजियस कई बार यहाँ पे भी आ जाता है कि एडवांटेजियस हैं आप, यानी आपको मौका मिल रहा है, आपको चांस मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं. एक होता है बॉर्न अंडर, एक ये इडियम होता है बॉर्न अंडर अ लकी स्टार, जिसकी किस्मत हमेशा साथ देती है ना, उस पर्सन के लिए कहा जाता है. अरे ही जस्ट बॉर्न अंडर अ लकी स्टार, है ना. गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, ओके. गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के लिए तो आराम से हो जाएगा, इंटर कॉलेज में आराम से. हाँ, इंटर कॉलेज में जो आता है वो बहुत आसान आता है, आराम से हो जाएगा. अगर आप इस सबको फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा. कोई डोंट वरी एट ऑल, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसके लिए तो परेशान होने की, क्योंकि सारे एग्जाम को कवर करता है हमारा सेशन, तो बहुत आराम से हो जाएगा. ठीक है, चलिए. सॉर्डिड लिखा है यहाँ पे, बिल्कुल सही है. बूंद भी बोल सकते हैं इसको हम लोग. लकी है, फॉर्चुनेट है. हाँ, अब हैप्पी है तो कैसे हैं आप? हैप्पी हैं आप, चीयरफुल हैं आप, सोशिएबल हैं आप, अफेबल हैं. ये सारे वर्ड्स हैप्पी के हो जाएंगे. तो हैप्पी के वर्ड्स आते हैं आप सभी को. चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे. अब हम लोग 38 हो गया हमारा, 39 पे. 39 में देखो जो रिपीटेड वर्ड है वो नहीं करेंगे. कौन से वर्ड रिपीटेड है? क्या ये रिपीटेड है? हाँ जी, tenacity. What is tenacity? सुनेंगे, सोचेंगे, बताएंगे जल्दी से. tenacity क्या होता है? जिसको hazard क्यों लिख देते हो यार? hazard मतलब क्या होता है? destiny और hazard. hazard माने hazardous, यानी क्या होता है? hazard है अगर कोई चीज़, तो मतलब disaster करने वाली है, problem है, harmful है. hazardous क्या होता है? harmful. hazard यानी क्या होता है? खतरा. ठीक है, तो hazard क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे? good morning नेहा. और डेस्टिनी यानी किस्मत होता है. तो डेस्टाइंड पर्सन, लकी पर्सन यानी डेस्टाइंड लिख लीजिएगा लकी में. डेस्टाइंड पर्सन है, लकी पर्सन है, फॉर्चुनेट पर्सन है, अपॉर्चुन पर्सन है, ये इसका सिनोनिम होगा. ठीक है, रवीना ऑल्सो गुड मॉर्निंग गाइज. कैसे हैं आप लोग? अपना अपना ख्याल रखिए. कभी ठंड कभी ज़्यादा कभी कम होते जाती है, लेकिन आप लोगों को बने रहना है एकदम हर सेशन में. एकदम आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू सिट इन योर कोजी रजाई बिस्तर एंड यू हैव टू जस्ट वॉच अ वीडियो एंड नोट द वर्ड्स. तो बहुत आसान है आप लोगों के लिए, है ना. चलो अब आते हैं टेनासिटी पे. वॉट इज टेनासिटी? टेनासिटी क्या होता है? टेनासिटी मतलब अभी किसी ने बोला टिकाऊ, है ना, टिकाऊ बोला. अरे हिंदी में लिखना ना, टिकाऊ बोला है. व्हाट्सएप लैंग्वेज का असर थोड़ा थोड़ा कभी कभी दिखाई दे जाता है ना. टिकाऊ माने क्या होता है? हमेशा चलने वाला, है ना. स्ट्रांग, स्ट्रैनस, फर्म, हार्ड. ठीक है, स्ट्रैनस सही है क्या ये वर्ड? दिलीप जी बिल्कुल बिल्कुल, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. और स्टडी विद एन्जॉय, बिल्कुल करो.
टॉपिक वाइज ग्रामर की प्लेलिस्ट कहाँ गई? देखिए बेटा जी, बहुत पहले जब टॉपिक आए, आपको शायद अब पता चला है, टॉपिक वाइज ग्रामर की सारी वीडियो अपने आप एक के बाद एक वो पूरी की पूरी हट गई थी। बहुत ट्राई भी करा बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोग सब ने, पर वो हुआ ही नहीं है ही नहीं अब। और अब जो ग्रामर के सेशन आते हैं वो पेड में आते हैं, तो वो जो पुराने हैं जो कुछ बचे हैं वो रखे हुए हैं, वो लगे हुए हैं, बट हाँ बहुत सारे वीडियोज जो हैं वो नहीं हैं, वो हैं ही नहीं, ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, और जिन्हें ग्रामर का सेशन लेना है उनके लिए ये नंबर है, आप इस नंबर पे फ़ोन करें, आपको पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, ग्रामर के सेशन के लिए अभी हम लोग इस वर्ड पे बात करते हैं, टेनासिटी। टेनासिटी यहाँ पे टिकाऊ लिखा हुआ है, टिकाऊ लिखा हुआ है तो हम इसको बोल सकते हैं फर्म। देखो ये कौन सा वाला टिकाऊ है, टेनासिटी के दो मीनिंग होते हैं, या तो एक चीज़ है कोई जो कैसी है, कोई चीज़ है ड्यूरेबल है, ड्यूरेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है, अच्छा चलने वाला है। ठीक है, एक तो ये होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, अच्छा चलेगा। लेकिन एक पर्सन में टेनासिटी होती है, अगर आप में या मुझ में टेनासिटी है तो हम में क्या है, फर्मनेस है, हम में क्या है, डिटर्मिनेशन है, किसी भी बात पे रहने की, टिके रहने की बात पे, है ना, किसी भी बात पे हमेशा के लिए टिके रहना, दैट इज फर्मनेस, दैट इज डिटर्मिनेशन, दैट इज डिटर्मिनेशन, तो वो वाला टेनासिटी होता है। ठीक है, टेनासिटी यानी जिद्दी नहीं, टेनासिटी यानी डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। ठीक है, हालांकि ये वर्ड हमने बहुत बारी कर लिया है, पर टेनासिटी उसमें नहीं आया था, हमने जब करा, फर्मनेस है, डिटर्मिनेशन है। ठीक है, ये होता है टेनासिटी, और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं रेजोल्यूशन। क्या बोल सकते हैं, फर्मनेस है ना हमारे अंदर, रेजोल्यूशन हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नोट्स ग्रामर के सेशन में मिल जाते हैं बेटा, ठीक है, ध्यान रखिए उसका। कॉन्स्टेंसी को हम बोल सकते हैं, किसी भी काम में लगातार बने रहना, कॉन्स्टेंसी होता है। नोट जरूर करिएगा वर्ड को, वरना आप लोगों से रह जाएंगे कुछ वर्ड। प्रिजर्वरेंस बोल सकते हैं, लगातार बने रहना, दैट इज प्रिजर्वरेंस, है ना, हमेशा से कंटिन्यूअस सतत प्रयास करना, दैट इज प्रिजर्वरेंस, अपने आप को बनाए रखना, दैट इज प्रिजर्वरेंस। और यहाँ पे क्या रहा, टिक के रहना, दृढ़ निश्चय है ना, फर्मनेस है, डिटर्मिनेशन है, रेजोल्यूशन है, कॉन्स्टेंसी है और प्रिजर्वनेस है। और इसी को एक और वर्ड बोलते हैं, दैट इज पर्पसफुलनेस, पर्पसफुलनेस की, जब तक पर्पस आपका फुल नहीं हो जाता तब तक आपको बने रहना है, टिके रहना है, फर्म रहना है। ठीक है, इस सेशन का पीडीएफ ऐसे मिल सकता है कि जैसे ये जो वर्ड्स लिखे हुए ना, ये ही मिलेगा बेटा, ये तो मैं हैंड रिटन लिखती हूँ, देयर इज नो टूल विद अस कि ये हैंड रिटन वाला आप लोगों के पास आ जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट लिखिए और नोट बनाइए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला हुआ है बार बार कि नोट्स बनाइए, डिलीजेंस, हाँ इसका हो सकता है डिलीजेंस, हो सकता है मेटिकुलस, हो सकता है, ठीक है, डिलीजेंस हो सकता है, एकदम लगातार किसी चीज में कॉन्स्टेंटली बने रहना, इसीलिए कॉन्स्टेंट भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे, परसिस्टेंस। बिल्कुल, कॉन्स्टेंसी और परसिस्टेंस, हाँ नाउन कर रहे थे ना, कॉन्स्टेंसी और परसिस्टेंस, परसिस्ट रहना यानी लगातार बने रहना होता है, परसिस्टेंस। ठीक है, चलिए तो ये सारे वर्ड्स हो गए टिके रहने के, अगर हम इसको ड्यूरेबिलिटी बोले, अगर हम इसको ड्यूरेबिलिटी बोले तो हम इसको स्ट्रांग बोल सकते हैं, इसको हम स्टर्डी बोल सकते हैं, इसको हम पावरफुल बोल सकते हैं, ड्यूरेबल वाला है ना, ड्यूरेबल यानी लंबा चलने वाला। किसी चीज के बारे में बात करें तो कोई चीज कैसी है, टेनाशियस है, ड्यूरेबल है, पावरफुल है, स्ट्रांग है, स्टर्डी है, नोट कर लीजिएगा इसको, राइट। चलिए अब हम लोगों का टेनासिटी हो गया, आइडियलनेस क्या होता है भाई, अगर आइडियल है तो कैसे है, विदाउट वर्क, बिना किसी जॉब के, जैसे लॉकडाउन के ड्यूरेशन में कई लोग कैसे हो गए थे, वर्क लेस, जॉब लेस, उसे बोलते हैं, हाँ रिजाइलेंस बोल सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड पे, कावर्डाइज पे। कावर्डाइज हमने कर रखा है, टिमिडिटी हमने कर, अच्छा फर्मनेस इसका आंसर भी हो गया, ओके ये मैंने अभी देखा है जस्ट, तो हम इन दोनों वर्ड्स को कर रहे थे, हटा रही हूँ मैं इनको। देखिए कावर्डाइज और टिमिडिटी क्या होता है, डरपोक, कोई व्यक्ति में मतलब हिंदी में इसको नाउन में कैसे बोलेंगे। टिमिडिटी क्या होता है, डरने का स्टेज, जो हर समय आपको क्या लगता रहे, डर लगता रहे, है ना, आप टिमिड है तो आप डरपोक है, टिमिड एडजेक्टिव होता है लेकिन ITY लगाने के बाद ये नाउन बन जाता है। कावर्ड हमारा नाउन है, कावर्डाइज भी नाउन है, तो आप देखो डरपोक बने रहना, तो मीकनेस, मीक होता है, शाय होता है, मॉडेस्ट होता है ना, वो सारे वर्ड्स यहाँ पे मैं लिख रही हूँ और इन सबको हम लोगों को नाउन बना देना है। ठीक है, डिफिडेंट हम इसको बोल सकते हैं, अफ्रेड हम इसको बोल सकते हैं, डिफिडेंस हो जाएगा, मीकनेस हो जाएगा, मॉडेस्टी हो जाएगा, शाइनेस हो जाएगा,
कॉयनेस हो जाएगा, बस नाउन बनाते जाना है वर्ड्स वही, डोसाइल है तो डोसिलिटी हो जाएगा, डरपोक कायर नाउन में क्या बोलेंगे? बेटा लर्न मत करिए प्लीज, मैंने आप लोगों को बोला है लर्न मत करिए। जैसे देखो एक मिनट मैं इसको नाउन बना देती हूँ, एक मिनट रुक जाइए बेटा, है ना, आप सबको ये पूछना है ना कैसे लर्न करें। देखो कैसे लर्न करें, मान लो ऊपर हमारे सामने वर्ड क्या लिखा हुआ, अफ्रेड। अफ्रेड यानी क्या होता है, डरपोक। अगर कोई व्यक्ति अफ्रोड है तो कैसा है, अफ्रेड है तो कैसा है, डरपोक है। तो इसके सिनोनिम क्या होते हैं, डिफिडेंट होते हैं, मीक होता है, मॉडेस्ट होता है, शाय होता है, कॉय होता है, फियरफुल होता है, डोसाइल होता है, डिफिडेंट होता है ना। ये सारे वर्ड्स एक साथ लिखते जाओ, है ना, आपका पेज जो होगा नोटबुक जो होता है इतना बड़ा, अगर आप रजिस्टर रखते हो तो इसमें इतनी जगह मॉडेस्ट को दे दो, यहाँ पे ऊपर मॉडेस्ट लिख दिया, और इस सेशन में, इस सेक्शन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 तक करीबन इतने वर्ड्स आपको मॉडेस्ट के देने। तो मॉडेस्ट के जितने अभी आ रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, और फिर अपन यहाँ पे दूसरा वर्ड लेते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया टेनासिटी, यहाँ पे मैंने लिख दिया दूसरा वर्ड टेनासिटी। अब टेनासिटी का मीनिंग यहीं पे लिख लो, टेनासिटी यानी फर्मनेस यानी दृढ़ निश्चय। फिर इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी वर्ड अभी आ रहे हैं बाकी जगह छोड़ दो। क्या होगा बाद में जैसे ही आप लोगों को आएंगे ना बेटा, जितेंद्र को आंसर दीजिए वन वर्ड के लिए, इसके लिए इडियम्स के लिए प्लीज। हाँ जैसे ही आप लोगों को आएगा ना, जब आता जाता है तब इधर नोट करते जाओ, और इनको क्या करो, इनको पढ़ो, आप लोग टाइम निकालो। जैसे वो कैप का अगर सेशन देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ना, लाइव देख रहे हो तो ठीक है, और अगर लाइव नहीं देख रहे हो तो आप इस सेशन को थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, तो आपका थोड़ा टाइम बचता है। उसी टाइम को आप मैनेज करो वोकैबुलरी के नोट्स बनाने में, वोकैबुलरी के नोट्स बनाओ इस तरीके से लिख लिख के, और इसको पढ़ने के लिए टाइम निकालो। आप इसको रटने के बजाय ना पढ़ने की कोशिश करो। जैसे अगर कोई चीज़ ब्यूटीफुल है तो वो कैसी है, चेयरफुल है, या चेयरफुल है तो कैसा है, अट्रैक्टिव है पर्सन तो कैसा है। मान लो अट्रैक्टिव लिखा आपने तो अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, स्टनिंग है, अपीलिंग है, फ्लैबगास्टिंग है, फैसिनेटिंग है, इन्फैचुएटिंग है, और कैची है, जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे वहाँ लिख दो, और आप सिर्फ उसको पढ़ा करो, रटा मत करो। लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं ना तो हम पढ़ ही रहे, याद है इसको आप ऐसे करें करो, जब हम मूवी देखते हैं तो कंप्लीट शांति चाहिए आपको, ताकि एक एक डायलॉग, एक एवरी सिंगल वर्ड यहाँ पे पहुँचना चाहिए, तभी ना उसकी पिक्चर हमारे दिमाग में बन जाती है। और बहुत सालों बाद भी अगर आपको कोई, अगर वो आपने दिल से देखी है तो बिल्कुल याद रहेगी। कई मूवीज ऐसी होती है हमारे जहन में एक एक डायलॉग हमें याद होता है, समझ में आ रहा है? तो ये क्या होता है, ये हमारा प्रैक्टिस का असर है, उसको हमने जिया है उस मूवी को। सिमिलरली आप वोकैबुलरी के साथ, अब पढ़ाई तो इतनी इंटरेस्टिंग होती नहीं है, आप ये बोलेंगे होती है घुल के, तो देखिए ये देखो ये एक भी वर्ड मैंने कभी बैठ के रटा नहीं है गाइज, लेकिन मुझे आता क्यों, क्योंकि मैं सिर्फ लिखती हूँ, आप लोगों को लिख लिख के बताते जाती हूँ, इसलिए समझ रहे हो। दिस इज द ओनली वे आउट ऑफ यू नो वोकैबुलरी को अगर पढ़ना है तो ये सेशन देख डाला, आपका वोकैबुलरी का टेंशन खत्म। बची बात इडियम्स की, वो कल आने वाला है शाम को 8 बजे, 20 जनवरी शाम को 8 बजे। बहुत सारे वर्ड्स यानी 2000 वर्ड्स का एक ही सेशन है, वो 8 बजे से हो सकता है सुबह 4 बजे तक चले, पता नहीं कैसे होगा लेकिन होगा। ये हम लोग कल करने वाले हैं, लेकिन हम लोग करेंगे कैसे भी करके, और वो इडियम का सेशन हमेशा के लिए, एक सेशन दे लो देख लो आपका सारा इडियम का सेशन टेंशन ही खत्म हो जाएगा कल, ठीक है। और बची बात वन वर्ड की, तो एक बार हम लोग थोड़े सिनोनिम्स और कर ले स्टेनो वाले, फिर हम लोग वन वर्ड पे आ जाएंगे, राइट। चलिए डेली क्लास लेने का बहुत प्रॉफिट मिला, देखिए नम्रता बोल रही है यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे ही बोलते हैं, आप कमेंट्स पढ़िए, भरे भरे कमेंट्स पॉजिटिव चीज़ से। मैंने किसी को खरीद के नहीं बोला है कि आप कमेंट करो, आप लोग खुद से करते हो ना कमेंट, तो ये चीज़ है, जब आप लोगों को आएगा समझ में तो अपने आप से बोलेंगे सभी लोग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब हम लोग प्रीवियस के सारे वो कैप कर लिए, वेरी गुड नम्रता। अब देखो नम्रता कितना फर्क पड़ा, आप एक बार जेन्युइन बताइए प्लीज़, है ना, ताकि इन लोगों को थोड़ा सा अच्छा इसको समझ में आएगा, राइट। चलो आगे चलते हैं, अब हम लोग उसको हटा देते हैं, टेनासिटी हमारा हो गया, टिमिडिटी इसी का होता है, कावर्डाइज इसी का होता है, जो हमने यहाँ करा टेनासिटी का ही फर्मनेस होता है, आइडलनेस यानी जॉबलेस होता है या फिर वर्कलेस होता है, तो फ्री रहना आइडलनेस होता है, इसके बहुत ज़्यादा सिनोनिम्स बनते नहीं। अब हमारे सामने नेक्स्ट है एंथुजियाज्म, जील, एंग्जाइटी और कामनेस और क्यूरियोसिटी। अब आप लोग इनके सारे सिनोनिम्स बता देंगे, हाँ जी सैटरडे को कराती तो बिल्कुल सही रहता, पर कराऊंगी नहीं, ठीक है, क्योंकि वीकडेज में भी अलग ही अपना मजा होता है। चलो कोई बात नहीं, हाँ अब है एंथुजियाज्म। व्हाट इज एंथुजियाज्म, अगर आपके अंदर में एंथुजियाज्म आ जाए तो क्या बन जाएंगे आप बन जाएंगे खूब एकदम
एनर्जी से भरे हुए, है ना। एंथुजियाज्म का मतलब क्या होता है, देखो मैं अब वोकैब से नहीं डरता, ऐसा प्रेम कह रहे हैं, नम्रता कह रही है, यस मैम पहले कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता था, वेरी गुड। और श्वेता कह रही है मैराथन की क्लास सैटरडे, बेटा वो सैटरडे को वो वाली आएगी ना जो ग्रामर का अपन लॉन्ग सेशन लाए थे अभी पिछले बारी, कॉमन एरर मैंने करवाया था, आप लोगों ने देखा है ना सैटरडे वाला कॉमन एरर, उसी के बच्चे में जो क्वेश्चंस है वो करवाऊंगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अब सिनोनिम्स बताते चाहिए लाइन से, एंथुजियास्टिक है अगर आप एंथुजियास्टिक हैं, ये तो नाउन दे दिया है, है ना। अगर आप एडजेक्टिव में लिखूं आप कैसे हैं, एंथुजियास्टिक, तो अगर एंथुजियास्टिक पर्सन है तो कैसा पर्सन हो जाएगा, ईगर। और कैसा पर्सन हो जाएगा, एनर्जेटिक हो जाएगा। एनर्जेटिक मतलब क्या होता है, जीलस, किसी भी काम को करने के लिए एकदम बहुत ज्यादा उत्साही। एंथुजियास्टिक होता क्या है, उत्साही या उत्साह से भरा हुआ, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं वाइब्रेंट पर्सन। कैसा पर्सन, वाइब्रेंट पर्सन। कैसा पर्सन, एनिमेटेड पर्सन, जिसमें करंट हो, जिसके आते ही आपको लगे कि यस एनर्जी आ गई, दैट इज एनर्जेटिक पर्सन। तो एनर्जेटिक है पर्सन, ईगर है पर्सन, क्यूरियस है पर्सन, और कीन है पर्सन, एनर्जेटिक है। और आप लोग लिख रहे हैं ना, अभी मैं देखती हूँ, विगरस होगा, एक मैंने विगरस नहीं लिखा है, विगर से भरा हुआ है ना, एनर्जी से भरा हुआ पर्सन होता है विगरस, एनिमेटेड पर्सन, वाइब्रेंट पर्सन। और क्या लिख दिया आपने, कीन लिख दिया, ईगर लिख दिया, एक्साइटेड, जेस्ट लिख दिया, यस जेस्ट पर्सन हो गया। कीन मैंने नहीं लिखा, शायद मैं भी लिख देती हूँ, और कोई वर्ड जो रह गया हो बताइएगा। हाँ एनर्जेटिक, क्यूरियस, कीननेस हो गए सारे वर्ड्स, बहुत सारे हमने यहाँ पे कर लिए। चलो ये हो गया हमारा, इसका राइट आंसर जील दिख ही गया है। अब अगर नाउन बनाना है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एनर्जी बोल सकते हैं। नाउन बनाएंगे तो इसका एडजेक्टिव हटा देंगे, ठीक है, क्यूरियोसिटी बोलेंगे फिर, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी बोलेंगे, विगर बोल देंगे केवल, वाइब्रेंसी बोल देंगे, एनिमेशन बोल देंगे, जील बोल देंगे, जस्ट बोल देंगे, कीन बोल देंगे, या कीननेस बोल देंगे, ठीक है। चलिए अब ये हमारा हो गया एंथुजियास्टिक, अब क्यूरियोसिटी, अरे क्यूरियोसिटी और यहाँ पे दोनों दे दिया गया, अब आप किसको चुनोगे, जील पहला है ना। क्यूरियोसिटी यानी क्या होता है, चाहने की ललक, ठीक है, और इसमें क्या होता है, उत्साह, समझ रहे, उत्साह, और ये जानने की ललक, जिज्ञासु। क्यूरियस पर्सन कैसा होता है, जिज्ञासु पर्सन, मुझे जानना है, तो क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, समझ रहे हैं डिफरेंस समझ रहे हैं। हाँ स्टिमुलस लिख दिया है, बिल्कुल, अफेबल ग्रेगेरियस से जोड़ ही दिया आखिर, है ना। मैं सोचती हूँ कि अफेबल ग्रेगेरियस सोशिएबल, अमिएबल, अमिकेबल ना आए, पर आ ही जाता है हमारे क्लास में। हाँ क्यूरियोसिटी नहीं होगा, बता दिया, आप क्यूरियोसिटी अगर आए ना तो क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, चाहने की इच्छा, हालांकि इसके सिनोनिम में आएगा, लेकिन जब चॉइस हो जाती है दोनों में से तो हम किसको चुनेंगे, फर्स्ट सिनोनिम को, एनर्जेटिक, जीलस, वाइब्रेंट, विगरस, जेस्ट, एनिमेटेड, ठीक है। और क्यूरियोसिटी यानी कीननेस होता है, राइट। हिंदी में भी बताएं बेटा, हिंदी में बताती हूँ, देखो एंथुजियास्टिक यानी उत्साही, ईगर यानी उत्साही, क्यूरियस यानी जिज्ञासु, बता दिया मैंने जिज्ञासु, और विगरस यानी उत्साही, विगर से भरा हुआ, एनर्जी से भरा हुआ, उत्साही, वाइब्रेंट, यही होता है, ठीक है। हर वर्ड को आप हिंदी में जानो, इंग्लिश में जानो, बात एक ही, लेकिन हमें इंग्लिश में भी जानना बहुत जरूरी है। अब देखो वाइब्रेंट है, जीलस है, एनिमेटेड है, एनर्जेटिक है, एंथुजियास्टिक है, विगरस है, जस्ट है, इन सब का मतलब होता है उत्साही, और कीन यानी ईगर, और कीन है, ईगर है, इन सबको मतलब क्या बोलेंगे, इन सबको बोलेंगे क्यूरियोसिटी वाला, जिज्ञासु, ठीक है। चलिए तो ये दोनों हो गए तीन वर्ड, अब एंजाइटी और कामनेस पे आ जाते हैं, हटाती हूँ एंजाइटी। एंजाइटी क्या होता है, एंजाइटी यानी होता है वरी, एंजाइटी वरी यानी कि क्या हो गया, चिंता, समस्या, परेशानी, ठीक है, चिंता, समस्या, परेशानी, एंजाइटी होती है। पर्सन कैसा, एंजाइटी से भरा हुआ, चिंतित व्यक्ति, एंक्शियस पर्सन, ठीक है। व्यक्ति अगर चिंतित है तो, व्यक्ति अगर चिंतित है तो एंक्शियस है, और एंजाइटी एक स्टेट है चिंता का, ये क्या होता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा नाउन में लिया हुआ, एंजाइटी है तो वरी, एंजाइटी है तो, अब बताइए टेंस होगा कि नहीं होगा, ठीक है, टेंशन होता है, वरिड होता है, चिंता होता है ना। अब चिंता में और हम लोग क्या होते हैं, जल्दी से एंग्शियस के सिनोनिम्स बताइए। हाँ कंसर्न्ड होते हैं, हाँ कंसर्न्ड व्यक्ति होता है, तो अब नाउन में लिखेंगे तो कंसर्न हो जाएगा, है ना। कंसर्न यानी क्या होता है, परेशानी, वरी या फिर चिंता, ये रिलेटेड दो वर्ड होते हैं ना कंसर्न के, तो टेंस हो गया, कंसर्न हो गया, वरी हो गया, एंग्जाइटी हो गया, और क्या हो गया, इंट्रीगिंग हो गया, इंट्रीग,
इंट्रिग मतलब इंट्रिगेटिव हो जाएगा ना, यहाँ पे नाउन बनाएंगे तो इंट्रिगेटिव यानी उलझा हुआ, उलझन, परेशानी, उलझन, ठीक है, इसको बोल सकते हैं। डिस्ट्रेस है, एजिटेटेड है, ट्रबल्ड है, तो ये सब परेशान व्यक्ति, तो यहाँ पे चिंता है, एजिटेशन, एजिटेशन, चिंतित नहीं, अभी चिंता है केवल, एजिटेशन, ठीक है, ट्रबल हो जाएगा, परेशानी, चिंता, ठीक है, ट्रबल, सिंपल सिंपल से वर्ड जो बिल्कुल नाउन है, क्योंकि पर्सन को नहीं बता रहे हम, है ना, पर्सन को हम नहीं बता रहे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्सुक होता है, उत्सुक यानी उत्साही, उत्सुक यानी क्यूरियस, ठीक है, वही होगा उत्साही। हाँ, हैरेस परेशानी होता है, बर्डन परेशानी होता है, ये सब इसमें आता जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे लोग लिख भी रहे हैं, और क्या लिखा है, फॉरबोडिंग, बिल्कुल सही है, अनकंफर्टेबल, हाँ, अब ये क्या हो जाएगा, कंफर्ट, तो अनकंफर्ट है ना, क्योंकि चिंता है हमारा, तो अनईज, अनकंफर्ट हमारा नाउन बन जाएगा, राइट, अनकंफर्ट, अनईज यानी चिंता, परेशानी, राइट। चलो, ये हो गया हमारा एंग्जाइटी, अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट हमारा क्या है, कामनेस है, कामनेस यानी क्या हो गया, कामनेस, शांति, व्यक्ति काम होता है तो शांत होता है, कामनेस यानी शांति, शांति चाहिए, है ना, तो पीसफुलनेस, शांति, या सिंपल पीस भी लिख सकते हो, एग्जाम में कामनेस का पीस भी आ सकता है, क्योंकि पीस भी नाउन है और पीसफुलनेस भी नाउन है, नेस लगने से नाउन होता है, फुल लगने से एडजेक्टिव होता है, अगर सिर्फ पीसफुल रखते तो ये एडजेक्टिव होता, तो पीस या पीसफुलनेस या ट्रैंक्यूलिटी, ट्रैंक्यूलिटी क्या होता है, शांति होती है, ट्रैंक्यूलिटी, शांति, ठीक है, श्रीनिटी, शांति, मंदिर में जाते हैं ना तो एकदम श्राइन सा फील होता है, श्रीनिटी यानी शांति, ठीक है, एकदम पीस के लिए, शांति के लिए बोला जाता है, हाँ, एकदम शांति के लिए यूज किया जाता है शब्द को, राइट। डिसमे, फॉरबोडिंग, अलार्म, एजिटेटेड, रेस्टिव, हाँ, अलार्मिंग हो जाएगा, फॉरबोडिंग यानी अलार्मिंग, और अलार्मिंग यानी व्यक्ति जो है वो कैसा है, अलार्मिंग यानी कंसर्नड है, यानी एकदम चेतावनी, एक एक चेतावनी का उसको फर्क पड़ा, चिंतित है, वर्ड है या कंसर्न है या वॉचफुल है, अलर्ट है ना, इसको बोलते हैं। अब बोल रहे हैं शांति के लिए बात करें, पैसिफिक, हाँ, पैसिफिक पीस से ही बना हुआ है, तो पैसिफिक, पैसिफायर बोलते हैं, तो पैसिफाई यानी शांत करना, और पैसिफिक यानी शांत, ठीक है। इसी तरीके से सैटिएटेड भी बोल सकते हैं, सैटिएशन, सैटिएशन बोलेंगे, नाउन है तो इसलिए शांत, सैटिस्फाई करना या सैटिएट करना यानी शांत करना होता है, ठीक है। अपीस करना, तो अपीजमेंट हो जाएगा, शांति यानी अपीजमेंट, क्योंकि अपीस करना यानी शांत करना होता, तो अपीजमेंट यानी शांत, ठीक है, ये सारे पीस है, इससे ही रिलेटेड वर्ड्स हमारे सारे यहाँ पे आएंगे, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं, हमारे सारे वर्ड्स हो गए 41 के, 42 पे चलते हैं, ये रहा 42, एक्सपेल है हमारे सामने, डेलीगेटेड है, डिस्टर्ब है, हैबिचुएटेड है, और वर्ड क्या है, अकस्टम्ड, अगर आप अकस्टम्ड है तो आप क्या है, आदि है किसी काम को करने के, हैबिचुअल है काम को करने के, क्या बोलते हैं, आदि होना यानी आदत में होना, आदतन हो जाता है कोई चीज ना, आदत में होना, अकस्टम्ड है तो आदत में है आप, है ना, यानी हैबिचुअल यानी आदत है, हैबिचुएटेड या हैबिचुअल होता है, इसी को बोलते हैं आदत में होना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्सपेल्ड वर्ड है, डेलीगेटेड वर्ड है, डिस्टर्ब वर्ड है, तो डिस्टर्ब बहुत बार ही अलग कहा हमने, डेलीगेट, एक्सपेल्ड और हैबिचुएटेड हम लोग यहाँ पे करने वाले, तो अकस्टम्ड को अभी सबसे पहले ले लेते हैं, हमारे सामने जो मेन वर्ड है अकस्टम्ड, अगर आप अकस्टम्ड है तो आप हैबिचुअल हैं, है ना, हैबिचुअल है या हैबिचुएटेड है, यहाँ पे हैबिचुअल आया है, हैबिचुएटेड आया है, हम इसको हैबिचुअल भी लिख सकते हैं, आप अकस्टम्ड है, आप हैबिचुअल है, आप अडिक्टेड है किसी चीज के, आदि है आप उस चीज के, आप अडेप्टेड है यानी आदि है, आपको मतलब बिल्कुल कोई समस्या नहीं है उसके साथ काम करने में, ठीक है, हाँ, हैबिचुएटेड है, रेगुलरिटी है, अडिक्टेड है, बिल्कुल सही है, सेटल्ड है, तो सेटल्ड है यानी उसी चीज के साथ सेटल्ड है, यानी उसी चीज में आपको कोई परेशानी नहीं है, कस्टमरी है यानी रोज रोज आप उस काम को करते हैं इसलिए आप उसको आदत बना चुके हैं, कस्टमरी, कस्टम में होना, हैबिट में होना, इससे बना है। पॉजिटिव क्यों लिखा है, पॉजिटिव यानी कमी होती है, पॉजिटिव यानी कमी, और फॉन्डनेस यानी शौक, ये कैसे वर्ड लिख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे तो नहीं है ऐसे कोई वर्ड, ठीक है। और रिचुअल, रिचुअल यानी क्या होता है, कस्टम, रिचुअल कौन सा होता है, रिचुअल यानी जो हमारे यू नो इसके सोसाइटी के रिचुअल्स होते हैं, तो रिचुअल्स यानी क्या होता है, जो धर्म से रिलेटेड, धार्मिक जो हमारे आज तक हम लोग करते हुए आए ना रिचुअल्स, धार्मिक रिचुअल्स होते हैं, रिचुअल्स को हिंदी में रिवाज, रिवाज, हाँ,
रिवाज होता है, रीति रिवाज होता है ना, उसको रिचुअल कहा जाता है। ठीक है, हाँ यूजुअल इसका हो सकता है, आप यूजुअल हैं, आपका आदतन है, आप यूजुअल गलत हो गया मैंने, हाँ आप यूजुअल हैं तो आप कस्टमरी हैं, आप सेटल्ड हैं, आप अडेप्टेड हैं, आप अडिक्टेड हैं, ये सारे वर्ड्स इसके हो जाएंगे। हाँ कोई वर्ड क्या बोल रहे हैं, रूटीन बोल रहे हैं, बिल्कुल सही, रूटीन यहाँ पे हो सकता है, अक्वेंटेड भी हो सकता है, फेमिलियर भी हो सकता है ना, रूटीन है, आप फेमिलियर हैं और आप अक्वेंटेड हैं। अक्वेंटेड बहुत आता है एग्जाम में, अक्वेंटेड यानी नोन होना, तो आप अक्वेंटेड हैं, नोन है, फेमिलियर है, यानी आप सब जानते हैं, एडजस्ट कर लेंगे आराम से, इसको ही बोला जाता है एडिक्टेड, हैबिचुअल, राइट। पायस होली रिचुअल्स, हाँ ये इधर आता है बेटा, क्यों लिख रहे हो आप रिचुअल वर्ड ही क्यों लिख रहे हैं, इसके इसमें नहीं आएगा रिचुअल, रिचुअल यानी रीति रिवाज होता है ना, रिलीजियस डीड्स होते हैं उसको बोला जाता है, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, कस्टम्ड में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए ये हमारा कस्टम्ड हो गया, हैबिचुएटेड हो गया, अब हमारे सामने ये तीन वर्ड्स बचे हैं, डिस्टर्ब्ड, डेलीगेटेड और एक्सपेल। अब हम लोग सबसे पहले करेंगे एक्सपेल को। एक्सपेल करना क्या होता है, एक्सपेल करना किसी को निकाल देना, किसी को निकाल देना, एक्सपल कर देना। ठीक है, अब कहाँ से निकाल देना, स्कूल में से, इंस्टीट्यूशन में से किसी को निकाल देना, जनरली सबसे पहला क्या आएगा, डिबार कर देना या बैन कर देना, निकाल देना यानी स्कूल कॉलेजेस में, आप में से कितने लोग हुए, फेवर क्यों हो सकता है, नहीं। श्वेता कह रही है प्लीज लाइक कर दो, तो भाई कर दो, जिसने नहीं किया है, यहाँ पे सब लोग आप लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, जिसने लाइक नहीं किया है सेशन को, लाइक तो करना बनता है गाइज। हाँ हाँ, सस्पेंड करना, एग्जैक्टली, स्कूल से आप लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है, किया जाता है, कि आप में से किसी को किया गया है क्या स्कूल में, कॉलेज में, डिबार किया गया है क्या, बैन किया गया है, बार किया गया है, तो बताइए। हाँ इसी को डिसमिस बोलते हैं, सस्पेंड करना, डिसमिस करना, और इसमें ईडी लगा हुआ है ना, ईडी लगा हुआ, आप ईडी लगा सकते हैं, डिबार्ड है, बैंड है, सस्पेंडेड है, डिसमिस्ड है ना, डिसमिस्ड है यानी कि उसको हटा दिया गया है, सिंपल बार भी बोल सकते हैं। रिपेल किस लिए बोल रहे हो बेटा, रिपेल क्या होता है बताओ, बार भी बोल सकते हैं, बार बताए क्या होता है, जेल जो होता है ना उसको भी बैरक, बैरक को भी बार बोलते हैं, हाँ तो बार वहां पे भी आ सकते हैं। और डिसक्वालीफाइड कर दिया अगर, तो भी निकाल ही दिया, डिसक्वालीफाई होता है एलिमिनेशन, डिसक्वालीफाइड, एलिमिनेटेड, एलिमिनेट कर दिया यानी आपको एक्सक्लूड कर दिया, तो एक्सक्लूडेड भी लिख सकते हैं आपको, एक्सक्लूड कर देना बाहर निकाल देना, इंक्लूड कर देना अंदर ले लेना, सबके मीनिंग्स में बता रही हूँ ना, हाँ प्रोहिबिट कर दिया, एग्जिट करना यानी निकल जाना होता है, एग्जिट नहीं आएगा, प्रोहिबिटेड यानी आपको बैन कर दिया, रोक दिया, आपको बार कर दिया, आपको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, आपको एक्सपेल कर दिया गया, आपको बाहर निकाल दिया गया, आपको एग्जिट करना यानी बाहर खुद निकल जाना है ना, आपने एग्जिट करी तो खुद निकल गए, या आपने अपने आप को नो क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, पीछे हटा दिया, तो वो नहीं आया यहाँ पे। प्रोहिबिट करना, रिजेक्ट कर दिया आप लोगों को, आपको अगर रिजेक्ट कर दिया या आपको रिमूव कर दिया, ये सब हटाना है ना, हटाना। और एग्जिट यानी क्या होता है, हम एग्जिट हो गए यानी हम बाहर निकल गए, समझ रहे हो, तो एग्जिट नहीं आएगा, अलग वर्ड है ये। टर्मिनेट करना, राइट, टर्मिनेट यहाँ पे हो सकता है, डिटेन करना, एग्जाइल करना, वो देश निकालने के लिए होता है किसी को, है ना, किसी को नजरबंद कर देना, डिटेन होता है, ये फॉर्मल, स्कूल कॉलेज वगैरह में से एक्सपेल कर देना उसके लिए होता है ना, डिटेन, नजरबंद, उसको किया गया था महबूबा मुश्ती वहाँ पे कश्मीर में, जब 370 रिमूव किया गया था, अबॉलिश किया गया था, तब वहाँ पे महबूबा मुश्ती और जो भी वो कुछ वहाँ के पॉलिटिशियन फेसेस थे, उन सबको डिटेन कर दिया गया था, नज़रबंद कर दिया था। ठीक है, आज तो बहुत ज़्यादा ही लेट हो गई, बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम ख़त्म होने पे है हमारा सेशन अब। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो। वाइप आउट क्या होता है भाई, वाइप आउट कैसे बोल दिया, आंचल, वाइप आउट का मतलब पूरी तरीके से सफाया कर देना, समझ गए, और ये क्या है, सिर्फ आपको अभी रेस्ट्रिक्ट किया गया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, यस, यू आर रेस्ट्रिक्टेड, यानी अब आप यहाँ पे नहीं जा सकते। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, यू आर प्रोहिबिटेड, यू आर एक्सक्लूडेड, यू आर एलिमिनेटेड, यू आर रिजेक्टेड, यू आर रिमूव्ड, आपको हटा दिया गया है, यू आर बार्ड, यू आर डिसमिस, सस्पेंडेड, समझ गए, स्कूल वगैरह में से, हाँ नजरबंद, एग्जैक्टली, क्लियर हुआ, महबूबा मुफ्ती को किया गया था, राइट राइट,
सफाया, हाँ, तो वाइप आउट नहीं किया गया इन लोग का। अबे दो दिन के लिए स्कूल से निकाल दिया जाता है, एक हफ्ते के लिए निकाल जाता है, वाइप आउट थोड़ी किया जाता है कि अब आपका नामो निशान भी नहीं देखने को मिलेगा, तो वो नहीं होगा। ठीक है, हो गया हमारा कौन सा वर्ड, एक्सपेल। अब हमें आएंगे डेलीगेट और डिस्टर्ब पे। तो सबसे पहले डेलीगेट, डेलीगेट करना क्या होता है, अगर हमने डेलीगेट कर दिया किसी को तो हमने उसको क्या कर दिया, एंट्रस्ट कर दिया, यानी अभी नहीं आया, डेलीगेटेड यानी सौंपना, डेलीगेट करना यानी सौंपना होता है, यानी हैंड ओवर करना होता है। नोट कर लीजिएगा, ये वर्ड बहुत कम आता है लेकिन आना चाहिए, गिव करना होता है। ठीक है, गिफ्ट कर दिया, हैंड ओवर कर दिया, एंट्रस्ट कर दिया, तो आपने अपनी कोई चीज क्या कर दी, किसी को दे दी। ठीक है, पास ऑन कर दिया, हैंड ओवर करना, सौंपना होता है, ये वाला वर्ड है। पूजा का कमेंट नहीं देखा, अबॉलिश समाप्त करना, अरे बोला तो था मैंने, आपने बोला अबॉलिश समाप्त करना, मैंने बोला भी था, पूजा ने बोला डिटेन, तभी तो मैंने बोला था महबूबा मुफ्ती को कर दिया गया है। क्यों निकाल दिया आपको सीएचएसएल से चेतन, एंट्रस्ट ई से शुरू होता है, एंट्रस्ट ई से शुरू होता है, गिफ्ट करना, गिफ्ट करना, प्रेजेंट करना, ये सब यहाँ पे हो सकता है, पर एंट्रस्ट का मतलब सौंपना और गिफ्ट का मतलब उपहार देना, तो देखो मीनिंग अलग अलग हो जाएगा, है ना, इसलिए थोड़ा सा हम मीनिंग को देखते हुए चलते हैं, तो इस मीनिंग के अकॉर्डिंग यही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, हो गए ये, इसके ज्यादा नहीं। अब आते हैं डिस्टर्ब्ड पे, बहुत ही सुंदर वर्ड बहुत सारे मिलेंगे। अगर हम किसी को डिस्टर्ब कर देते हैं तो हम उसको क्या कर देते हैं, हम उसको परटर्ब कर देते हैं। परटर्ब करना यानी क्या होता है, डिस्टर्ब करना यानी क्या होता है, हिंडर करना यानी क्या होता है, इम्पीड करना। ये सब आएंगे अभी आगे, क्योंकि ये वर्ड्स बहुत सारे भर भर के आए हैं अभी यहाँ पे, है ना। हिंडर करना, इम्पीड करना, ऑब्स्टेकल लगा देना, किसी को काम करते समय क्या करना, रोक देना, बाधा डाल देना, ये होता है। तो अपने आप बताइएगा, अपने आंसर्स दे दीजिए बेटा, अपने आंसर्स दीजिए कि अगर आप परटर्ब कर रहे हैं किसी को तो आप उसको हिंडर कर रहे हैं, आप उसको इम्पीच कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, और क्या इसका सिनोनिम बोलेंगे, बहुत सारे हैं इसके, तो बहुत सारे बताएंगे, तो अभी हम लोग सब में ईडी लगाएंगे। ठीक है, परटर्ब्ड है, डिस्टर्ब्ड है, इम्पीडेड है, ऑब्स्टेकल्ड है, हटा दो ईडी, आप सिर्फ वर्ड को याद रखो। ठीक है, हिंडर करना, परटर्ब करना, डिस्टर्ब करना, इम्पीट करना, ऑब्स्टेकल डालना, यानी क्या होता है, बाधा डालना। ठीक है, बाधा डालना, कोई कोई काम कर रहा है उसको, उसमें आपने क्या कर दिया, बाधा डाल दिया, डिस्टर्ब कर दिया। हिंदी में और कुछ बोलते हो तो बताइए बेटा, मॉडेस्ट क्यों लिख रहे हो, मॉडेस्ट करना क्या होता है, मॉडेस्ट करना यानी कि, मॉडेस्ट करना कुछ होता है नहीं, अगर व्यक्ति मॉडेस्ट है तो कैसा है, डरपोक है, है ना, डर लगता है उसको, वो सबमिसिव है, वो दूसरों की बात मान लेता है, वो अपनी कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें, वो डिफिडेंट है क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, तो मॉडेस्ट यहाँ पे नहीं आएगा। हर्डल करना, मडल करना, हर्डल करना, मडल करना, ये भी यही होता है, डिस्टर्ब करना, बाधा डालना, हर्डल करना यानी डिस्टर्ब करना होता है, ट्रबल्ड नहीं होगा, नहीं। कमोशन क्या होता है बेटा, कमोशन यानी क्या होता है, कमोशन यानी एकदम वो केओटिक, एकदम हर जगह लोग चिल्ला रहे हैं, बाहर आप गए आपको एकदम घर में बैठे एकदम शोर की सुनाई आ रही है, लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, वायलेंस हो रहा है, लोगों की मारपीट हो रही है, तो दैट इज कमोशन, खूब ज्यादा शोरगुल हो रहा है जिससे आप बाधित हो रहे हो, दैट इज कमोशन, है ना। तो कमोशन करना नहीं होता है, हाँ इंट्रूड करना हो जाएगा, बिल्कुल इंट्रूड करना, पोक करना, ठीक है, पोक करना भी बिल्कुल हो जाएगा। पोक करना क्या होता है, बाहर बीच बीच में कोई आ रहा है और आपको छेड़छाड़ कर रहा है, आपके काम को परेशान कर रहा है, इरिटेट करना हो सकता है यहाँ पर, है ना, इरिटेट करना हो सकता है, ट्रबल करना भी हो सकता है एक हद तक, है ना, ट्रबल करना, बॉदर करना, बॉदर करना भी हो सकता है। ठीक है, ये सारे इम्पीड है, पटब है, ऑब्स्टेकल है, हर्डल है, मॉडल है, और कोई वर्ड, बैरिकेड नहीं, बैरिकेड यानी क्या होता है, बैरियर लगाना, हाँ हो तो सकता है रोड पे बैरिकेडिंग कर दी जाती है तो आपके रास्ता जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो बैरिकेड करना हो सकता है, हर्डल हो जाता है, वो एक मॉडल हो जाता है, ऑब्स्टेकल हो जाता है। और वर्ड क्यों नहीं आ रहे हैं, इसमें बहुत सारे वर्ड्स है, डिप्रेशन कैसे लिखा बेटा, हॉल्ट, डिबार, एबर्ट, ये तो सब स्टॉप के आ गए, डिसवेड करना, स्टॉप करना, है ना, हॉल्ट करना, स्टॉप करना, रोकना, ये क्या है, बीच में आपने आपको काम करते करते बाधित कर दिया, तो आपको स्टॉप
प्रिवेंट थोड़ी कर दिया, किसी काम को करने से रोका, वो होता है स्टॉप करना, एकदम सीधे सीधे बता रही हूँ मैं अब, एकदम एकदम वही वर्ड से, ये क्या है, डिस्टर्ब कर दिया। तो आप डिस्टर्ब हो गए तो आपको प्रिवेंट थोड़ी कर दिया कुछ काम करने से, आपको केवल काम करने में बाधित किया गया है। शायर जी बहुत देर से आ गए हैं, आज आप आज के लोगों को स्टार्ट का टाइम याद नहीं था। हाँ, बैरियर, राइट, बैरियर देखो नाउन होता है ना, और बैरियर का ही हमने यहाँ पे लिखा है बैरिकेड करना, तो बैरियर अलग से नहीं आएगा क्योंकि बैरियर होता ही बाधा है, और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बाधा डालना, ठीक है, ऑब्स्टेकल, ठीक है, रेजिस्ट करना, ट्रेसपास करना, है ना, हलचल, कमोशन मीन्स हलचल, बिल्कुल, शोरगुल, बे कानों को चुभने वाला शोरगुल जो होता है वो भी कमोशन होता है। चलिए, इसी के साथ हमारा डिस्टर्ब भी खत्म हो गया, डेलीगेट भी हो गया, हो गया ये वाला पेज, स्क्रीनशॉट ले लें आप हर एक बार में। अब आते हैं 41 का, गया 41 पहले आ गया क्या, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एवरीडे, कल ही बात कर रहे थे ना हम लोग, आम आदमी की वही है, एवरीडे, ऑर्डिनरी, है ना, वही आ जाएगा, ये ऑर्डिनरी है, यूजुअल है, कॉमन है, जनरल है,